फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। वंस अगेन वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स सी बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इट्स अ लास्ट लेक्चर। ओके, इसके बाद हम इन पे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी लेक्चर नंबर 4, टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमें जो डिस्कस करना है, हम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड स्क्वायर रूट्स को लेके करना है। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबरों को। देखिए, लेट्स सी यार, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपको क्या होगा टारगेट, सॉल्यूशन गेट करना है। सॉल्यूशन गेट करने के दो पैटर्न है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से। ओके, तो हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से। यदि आपको लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन का मेथड भी नो होना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं कि आपका जो लेक्चर एक बनना चाहिए वो फैक्टराइजेशन मेथड की। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, और यहां से हम फाइनल गेट करेंगे x की वैल्यू जो होगी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कौन सी फॉर्म होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्लियर है? तो आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप सॉल्व करें x की वैल्यू को जो गेट होने वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने तो रूट्स होंगे होंगे। रूट्स मतलब वो कंडीशन जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, क्लियर होगी बात है? तो यार एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेस आपके पास क्या है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको उसको सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में गिवन किया उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है यार, x स्क्वायर प्लस 0 * x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ऐसे कंपेयरिंग कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से यार a की वैल्यू कितनी हो गई यार 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 3। यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट की x स्क्वायर कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट की x के कोफिशिएंट से, कांस्टेंट की कांस्टेंट से कंपेयरिंग। ओके, तो यहां से a b c गेट हो गया आपको। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू गेट करने के लिए आपको यूज करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस बी कितना आपके पास, माइनस के 0 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस की 4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 3 इज डिवाइडेड बाय 2a। ए कितना आपके पास है 1। इट मींस आपको गेट हो गया है x की वैल्यू माइनस 0 प्लस माइनस रूट 0 स्क्वायर 0, 4 3 से 12 माइनस के 12 इज डिवाइडेड बाय 2। तो इट मींस प्लस माइनस रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इसका मीनिंग होता है कि वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस आपके पास उसका सॉल्यूशन आ गया, जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई आपके पास, 12i प्लस माइनस डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू पेयर बाहर निकाल लीजिए, प्लस माइनस 2√3i डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास प्लस माइनस √3i। ये गेट होगी आपके पास x की वैल्यू। ओके, क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल बेस में रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के रूट 5 इज इक्वल टू 0। क्या से हमें x का सॉल्यूशन गेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज हो रही है। ओके, तो कंपेयरिंग कीजिए, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म से। तो बताइए यार, a की वैल्यू कितनी गेट हो गई है रूट 5, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू रूट 5, यूजिंग कर दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपके पास
x is equal to minus b plus minus root b square minus k 4ac divided by 2a. Apply कर दीजिए. Minus b यानी minus 1 plus minus root b square it means 1 square minus k 4 a मतलब root 5 c मतलब root 5 is divided by 2a. a मतलब root 5. Okay? क्लियर हो गया ना बातें. तो यानी आपके पास क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट वन माइनस रूट फाइव रूट फाइव 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 फोर जो 20 तो माइनस के 20 इज डिवाइडेड बाय टू रूट फाइव. तो आपको क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस 19 डिवाइडेड बाय रूट टू रूट फाइव. ओके, रूट के अंदर माइनस आ गया तो क्या अप्लाई करेगा, आई. तो यानी कितना गेट हो गया, माइनस वन प्लस माइनस आई रूट 19 इज डिवाइडेड बाय टू रूट फाइव. This is a required your answer. तो देखा हमने किस तरीके से quadratic formula की help से x की value in complex form में get किए. Okay, pause the video and click the screenshot. Okay, अब चल रहे हैं square roots की तरफ. तो quadratic equation आई होप आपको clear हो गया होगा. बात करते हैं square root को लेकर. देखिए यार, square roots के topic के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखने कुछ आइडेंटिटी, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस के फॉर अल्फा बीटा. ओके, नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के फॉर अल्फा बीटा. ओके, ये टू फॉर्मुलेस आपको ध्यान रखने होंगे. क्लियर हो गया था बातें. चलते कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जांपल बेस्ड फॉर एग्जांपल. ओके, चलते एग्जांपल की तरफ. एग्जांपल हमें फर्स्ट समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है. देखिए अब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के स्क्वायर रूट बताने हैं आपको. तो देखो कैसे बताएंगे. फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले लेट करेंगे, लेट रूट फाइव प्लस ट्वेल्व आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. अब यार आपको क्या करना होगा, रूट से फ्री करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यूज करेंगे. तो कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फाइव प्लस ट्वेल्व आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर. ओके, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 प्लस 12 आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर. यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी. ओके, अब एक काम कीजिए, 5 प्लस 12 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy. क्लियर होगी बात है. अब यहाँ देखिए बागियां रुकेंगी और समझना पॉइंट को क्या करना होगा, हमें यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना होगा. ओके, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, रीजन क्या है यार, मेरा रीजन ये है कि मुझे किसी भी तरह से x और y की वैल्यू गेट करनी है. अब वो क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि मैंने रूट फाइव प्लस ट्वेल्व आई को किसके इक्वल दे रखा है, एक्स प्लस आई वाई के. यानी मुझे जब इसका रूट चाहिए होगा तो उसकी वैल्यू भी चाहिए होगी, यानी x और y की वैल्यू. और x और y की वैल्यू किस तरह प्रोसेस गेट करेंगे, हम इस तरह से फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे. क्लियर हो गया बातें. अब यार आप इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, कीजिए कंपेयर रियल को रियल के साथ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 5. ओके, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कितना गेट हो गया, 2xy इज इक्वल टू 12, कंडीशन नंबर 2. ओके, अब आपको करना क्या होगा, समझना है पॉइंट को, बेसिकली इस पॉइंट को ध्यान समझिए. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 5 है, आपके पास माइनस में एक इक्वेशन है, तो आपका टारगेट होगा प्लस में एक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना. वो कैसे करेंगे, इन दो आइडेंटिटी की हेल्प से. इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, यदि आपके पास यहाँ माइनस है तो आप प्लस की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यदि आपके पास प्लस है तो आप माइनस वाले आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे. यहाँ पर कौन सी है, माइनस, तो मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी प्लस की. इट मीन्स इसको अपने माइंड में रीड कर अल्फा, इसको माइंड कर ले बीटा वाला केस, ठीक है ना. तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी इसी कंडीशन में जैसे ये फेस रखा ना, इसी के फेस में एक एडिशन में इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं इसी फेस में. ओके, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे अल्फा बोल के हमने, इसको बीटा, तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. क्या होता है आपके पास, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस के फॉर अल्फा बीटा. क्लियर हो गया बात.
ओके okay? अब यार एक बात बताओ, x square minus y square की वैल्यू कितनी है? 5, देख लीजिए 5 का square plus 4x square y square, इन में से इस तरह यूज करूं 2xy का square, 4x square y square 2xy का square, और 2xy की वैल्यू कितनी गिरे थी उसने 12, तो लिख दीजिए यहां पे 5 square 25 plus के 12 square, और 12 square की वैल्यू कितनी गेट होगी 144, कितना गेट हो गया 169, यानी बच्चे आपके पास गेट हो गया x square plus y square is equal to 13, कंडीशन नंबर गेट होगी 3। तो इसी फॉर्म में एक न्यू इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, वो करिए प्लस में, क्लियर है। अब आपको करना है टारगेट क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना होगा, किस किस को, फर्स्ट एंड थर्ड को। तो सॉल्व करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड एज योर चॉइस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस मेथड से करना चाह रहे कीजिए, फाइंड करनी है आपको एक्स और वाई की वैल्यू। ओके चलो देखते हैं, एडिंग कर दी मैंने सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड, जैसे मैंने ऐड किया फर्स्ट और थर्ड, तो y स्क्वायर से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर, 13 और 5 ऐड हो गया 18, 2 से कैंसिल 9, तो x स्क्वायर की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू गेट हो गई प्लस एंड माइनस 3, दोनों साइन लगाएंगे प्लस का भी एंड माइनस का भी, क्लियर हो गई बात है। अब यार x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन किसी में भी यूज कर लीजिए, फर्स्ट में या थर्ड में, तो हमने इसे पुट कर दिया थर्ड में, तो कितना गेट हो गया, देखिए x की वैल्यू 9 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो y स्क्वायर की वैल्यू 4, इट मींस y की वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी हमारे पास दो वैल्यू आई है x की भी और y की भी। तो यार अब इसमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा, प्लस वाला या माइनस वाला, आंसर हमारे दोनों ठीक होंगे, बट कैसे यूज किए जाएंगे समझेंगे कंडीशन नंबर 2 से, क्योंकि मैंने इसका यूज नहीं किया अभी तक। ओके तो यार देखिए क्या करना है कि आपका जो x और y की प्रोडक्ट है, यानी मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है x और y की कि इन दोनों की जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट प्लस आनी चाहिए, यानी चाहिए प्लस, ये प्लस 12 लिखा ना, यानी x और y की आप वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसमें उन दोनों की प्रोडक्ट करने पर वैल्यू क्या मिल रही हो आपको, पॉजिटिव मिल रही हो, क्या है डजंट मैटर, वैल्यू क्या मिल रही है, दिस इज मैटर, क्लियर हुई बात, यानी साइन देखना उसका, मैं क्या देखना होगा साइन, क्लियर हुई बात। तो यानी मैं यहां पे टेक करूंगा सबसे पहले साइन को, कि टेक x मैंने यूज किया पॉजिटिव 3 एंड y भी मैंने यूज किया पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव यूज किया y भी पॉजिटिव यूज किया, तो अब आप बताइए x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x y की प्रोडक्ट भी आल्सो पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। या तो ये केस हो सकता है, या क्या केस हो सकता है, सेकंड केस, सेकंड केस ये हो सकता है आपके पास कि x भी क्या आ जाए नेगेटिव और y भी क्या आ जाए नेगेटिव, जब इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तब भी क्या आएगी वो पॉजिटिव, या ये केस हो सकता है, इनमें से कोई एक केस पॉसिबल है, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, क्लियर होगी बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्क नहीं करेगा, रीजन सिंपल से क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आनी चाहिए थी, क्लियर होगी बात है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा, चाहे तो आप पॉजिटिव करके इसका आंसर दे दीजिए, चाहे आप इसका नेगेटिव, चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू आपको गेट होती है 2 प्लस और माइनस, मैं इसका आंसर इसे लिख सकते प्लस माइनस 3 प्लस आई और वाई की वैल्यू है 2, ये भी लिख सकते हैं आप इसका आंसर, या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं प्लस 3 प्लस 2i एंड माइनस 3 माइनस 2i, ये भी इसका आंसर है। ओके बहुत आसान, दोनों बात सेम है, क्लियर, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, इसी के उसमें एक और समझेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखिए माइनस 7 प्लस 24i का स्क्वायर रूट पता है, तो यार सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए किसके ऊपर, x प्लस iy के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लीजिए, माइनस 7 प्लस 24 आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 7 प्लस 24 आई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ओके यार आई तो आना था, आई तो यूज करेंगे करेंगे आप, ओके तो आपके पास गेट हो गया माइनस 7 प्लस 24 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू प्लस i 2xy। अब आपको करना क्या है यार, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है यार, तो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स,
ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप यहाँ रुकेंगे तो सबसे पहले रियल और इमेजिनरी को इक्वल कर लेना, रियल को रियल के साथ कंपेयर, इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन, फर्स्ट कंडीशन। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ टू एक्स वाई इज इक्वल टू 24, कंडीशन नंबर टू। अब आपको करना ही है कंडीशन नंबर फर्स्ट के वैसे एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे आप लोग जो पॉजिटिव में होगी, इसमें नेगेटिव में तो आपको इसमें बनानी होगी पॉजिटिव में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको रीड कीजिए अल्फा, इसको रीड कीजिए माइनस बीटा, तो बन गया अल्फा माइनस बीटा। तो हम लोग वो बनानी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्लियर हो गया ना बातें आपको, ठीक है ना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर अल्फा बीटा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है बस माइनस सेवन, तो माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूज कर सकता हूं टू एक्स वाई, और टू एक्स वाई इट मीन 24, और इसका 24 को क्या कर दीजिए स्क्वायर, सेवन स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, गेट हो गया 625। यानी आपको वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो बनेगा स्क्वायर रूट, तो उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी 25, कंडीशन नंबर गेट हो गई आपको थर्ड। ओके, तो तुमने थर्ड कंडीशन गेट कर ली, फर्स्ट और थर्ड। अब आपको टारगेट क्या आएगी, फर्स्ट थर्ड को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को गेट करेंगे। तो मैं गेट कर रहा हूं फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके, तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 7, गेट हो गया प्लस के 18, 2 से कैंसिल 9, तो यहां से x की वैल्यू गेट हो जाएगी प्लस माइनस 3। ओके, अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जो एक्स स्क्वायर है आपके पास 9, इसकी वैल्यू चाहे तो आप एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस 3 पुट कर लीजिए, या पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर टू 9, बोथ आर सेम मीनिंग। ओके, तो एक्स स्क्वायर टू 9 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड, चॉइस है आपके पास। मैंने फर्स्ट में पुट कर लिया, x वैल्यू आ गई 9 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7, इसको दिस साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू भी 2 गेट हो गई, y की वैल्यू भी आपको 2 गेट हो गई है। अब ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होने वाली है, हम लोग चेक करेंगे कंडीशन नंबर 2 में। देखिए यहाँ पे जो मैं x और y की वैल्यू प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों की प्रोडक्ट करें क्या साइन मिला, साइन चेक करो, साइन क्या है पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी जो मेरे पास x और y की जो दो वैल्यूज आई है उनमें क्या क्या केस पॉसिबल है। या तो ये होगा कि भाई x कैसा है पॉजिटिव, तो y भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तभी दोनों की प्रोडक्ट क्या गेट होगी पॉजिटिव। क्लियर हो गया, तो यानी इससे पहला आंसर मिल गया मेरे को क्या, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा x भी पॉजिटिव ले लीजिए एंड आई वाई भी क्या ले लीजिए पॉजिटिव, कितना हो गया 4। तो पहला स्क्वायर रूट माइनस 7 प्लस 24 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का एक्स वैल्यू पुट कर दी मैंने और वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो पहली कंडीशन बन गई है, ठीक है। सेकंड केस क्या पॉसिबल है यार, या तो एक्स भी क्या रहा होगा नेगेटिव और वाई भी क्या रहा होगा नेगेटिव, जिससे दोनों की प्रोडक्ट करने पर क्या मिल गया मुझे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन आ गया है, ठीक है ना। तो इट मींस इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव ले लीजिए, माइनस के 3 माइनस के 4 आए, तो दिस इज रिक्वायर्ड योर कंडीशन। तो देखा हमने किस तरह से फाइंड कर ले स्क्वायर रूट्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये तो हुए तुम्हारे जो टॉपिक्स थे वो तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो HOTS टाइप के होंगे, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।